Sir, you know, great loss in industry. What do you say about Papida? बहुत ही अच्छे पपीता जीनियस इंसान थे, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे और बहुत दिल में प्यार था उनके। बहुत बड़े कलाकार तो थे ही, बहुत बड़े कंपोज़र तो थे ही, मगर बहुत अच्छा काम किया, जल्दी चले गए छोड़ के सबको। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी फैमिली को पीस मिले और ये बड़ा दुख सहन करने की शक्ति मिले। और पपीता के काम के लिए क्या कह सकते हैं, ग्रेट इंसान थे, ग्रेट कंपोज़र थे और बहुत ही महान इंसान थे। थैंक यू सो मच। अरे उसका नाम सुपारकर ना, अरुण ना। अरे कैसे सब? हाँ मैं रेडी हूँ, आ जाओ। ईशान जी, ये था ये ईशान भाई सर, प्लीज। अभी यही तस्वीरें रह जाती हैं, हम भी कभी तस्वीर में रहेंगे। ईशान जी, यू नो, जैसा कि आप तस्वीरें रह जाएंगी, ग्रेट लॉस इन इंडस्ट्री। नहीं, बिल्कुल, पपीता की खासियत यही थी कि हमेशा वो काम में अपने आप को व्यस्त रखते थे। और उनके घर के स्टूडियो में हम बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे। पिछले 6-8 सालों में लगभग 40-45 गाने तो उनके लिए मैंने ही रिकॉर्ड किए होंगे। और हर तरह के गाने, हमेशा यूथ सेंट्रिक गाने करते थे, जिस गानों से लोगों को एंटरटेनमेंट हो, मज़ा हो। और इंसान भी वैसे ही थे, जिसे बोलते हैं ना पीपल्स पर्सन। कभी भी ये नहीं कि अकेले बैठे हैं या सीरियस हैं, बहुत संजीदा मूड में रहेंगे। अरे आशो वाशो, हमेशा बहुत कम बातें, लेकिन हमेशा बहुत ही दिल से, बहुत ही वार्म इंसान थे। कहीं भी जाते थे, उससे पहले सिद्धिविनायक होकर जाते थे, तो बहुत जिसे कहते हैं ना एक गॉड फियरिंग भी इंसान थे। और बहुत, कितनी यादें हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उनका जो अंदर का जो कमरा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर का उनका कमरा है, जहाँ अगर आप देखें ऐसे ऐसे, जहाँ 4 साल के हमारे पपीता तबला बजा रहे, राज कपूर जी नमन कर रहे हैं कि यार ये बच्चा क्या बजा रहा है। तो इस तरह के जीनियस थे, लेकिन काम बहुत आसानी से करते थे। कभी अपनी अपनी जीनियस से अपनी वो सोच किसी पर थोपना कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, जबकि उनकी अपनी सुर इतने पक्के थे। लेकिन कभी भी मतलब गाना गाते, अरे गाओ, मूड में गाओ, अच्छा हो गया, चलो डन, सुपर हिट गाना, चलो नेक्स्ट। बहुत ही मूड में रहते थे हमेशा। और ऐसे बहुत ही कम लोग, कोई उस तरह का ईगो नहीं, कोई उस तरह की घमंड, उस तरह की लोगों को लगता होगा कि यू नो वो, लेकिन अंदर एकदम मोम का दिल था उनका, सबके लिए सोचना। जब भी मिलूँ, घर में कैसे हैं, बीवी कैसी है, माँ कैसी है, माँ को मेरा हेलो कहना। तो बहुत, और हमारे ताल्लुकात तो बहुत पुराने, मेरे पिताजी उनके पिताजी के साथ कलकत्ता में गाना करते थे। जब बम्बई आए तो एक कई बार मतलब आना जाना अपना चलता ही रहा बचपन से ही। मुझे मिलते भी, अरे तुम तो फैमिली हो, हमेशा कहते ही थे। और मेरे फेवरेट, मेरे फेवरेट, तो यादें रह जाएंगी। और बट ग्रेट सोल, ग्रेट मैन। एज अ टैलेंट तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इधर मत करो, इधर मैं नहीं करवाने वाला, किसी का भी नहीं करवाने वाला, इधर नहीं होगा कुछ भी। देखिए, इस दुख की घड़ी में तो कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे डिस्को किंग अलविदा कह गए, हमारे बप्पी दादा, जिन्होंने आज 50 साल से रूल किया। ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे संगीत दिया उन्होंने जो इतिहास बन चुका है। बस इंसान आता है तो एक दिन जाना पड़ता ही है, लेकिन ऐसे संगीतकार को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया वो कर दिया। मैं भी बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि दादा संघर्ष से लेके और आज तक वही प्यार दिया, वही आशीर्वाद रखा उन्होंने, और कई फिल्मों में भी गवाए,
अव्वल नंबर अफसाना प्यार का, कह दो प्यार है, प्रकाश मेहरा जी की फिल्म दलाल और कई फिल्मों में गवाए उन्होंने, तो उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहा है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको जन्नत बख्शे। थैंक यू सर। ओके प्लीज आगे, इधर नहीं, इधर नहीं सर।